अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया था और उसमें मैंने डिस्कस कर दिया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन, सही है, लेकिन उसकी जो सेकंड टाइप है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइजेशन है क्या? अब नाम से ही वाजे है कि 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्स। अब हमारे पास क्योंकि तीन ऑर्बिटल मिल रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल की तादाद तीन है, तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी तादाद भी कितनी होगी? तीन होगी। तो इसको हम कह देते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली द प्रोसेस इन विच 1s एंड 2p ऑर्बिटल आर इंटरमिक्स एंड फॉर्म 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मतलब ये वो प्रोसेस है, वो अमल है जिसमें एक s होता है और तीन 2p ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में क्या होते हैं? मिक्स होते हैं, और उनके मिक्स होने से हमारे पास तीन ऑर्बिटल बनते हैं जो कि क्या होते हैं? हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो इसे हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ज़रा मैं डेफिनेशन लिखता हूँ इसकी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या है? द प्रोसेस in which 1s and 3p orbitals intermix, sorry to say, the process in which 1s and 2p orbitals, मतलब ये वो अमल है जिसमें हमारे पास 1s and 2p orbitals, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो sp2 में यही बात करूंगा, द प्रोसेस इन विच 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्स एंड फॉर्म 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या था कि जिसमें प्रोसेस इन विच 1s एंड 2p, ये आपके पास एक s ऑर्बिटल होगा और 2p ऑर्बिटल होंगे, सो 1s एंड 2p ऑर्बिटल आर इंटरमिक्स एंड फॉर्म 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एक s ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है, तो आपके पास टोटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने वो तादाद में कितने हैं? तीन है। तो इसे हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर मैं बात करूं इसकी एग्जाम्पल की, फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल में हाइड्रोकार्बन्स के केस में हमारे पास जो बनती है वो बनता है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम क्या कहते हैं? इथीन। ये हाइड्रोकार्बन्स के केस में आपके पास इथीन आ गया इसके एग्जाम्पल में। तो क्योंकि हमारे पास जो कार्बन है वो सेंट्रल एलिमेंट है, मतलब उसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो हम कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो अब हमारे पास कॉन्फिगरेशन क्या बनेगी? 1s 2s, 2px, 2py, 2pc। तो ये हमारे पास जो है ये ग्राउंड स्टेट में लिख रहा हूँ मैं, तो हमारे पास क्या बनेगा? 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pc में 0। अब अगर हम बात करें कार्बन 6, तो हमारे पास 1s, 2s, 2px, 2py, 2pc। अब बेसिकली एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है? एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है 2s से, वो कहाँ चला जाता है? 2pz में चला जाता है। तो यहाँ पे तो 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। लेकिन एक बात मैं कर चुका, मैंने ये बात की कि यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में वो एक s है और 2p है, इसका मतलब है 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स ये आपके पास जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में क्या है? हिस्सा लेंगे। तो 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्स, एक s ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है। तो ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब है ये जो आपके पास 2pz है, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन वाली कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएं तो ये जो 2pz होगा ये आपके पास क्या रहेगा? अनहाइब्रिडाइज्ड, मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। जब ये अनहाइब्रिडाइज रहेगा तो इससे आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। तो अब जरा गौर कीजिएगा, अब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, हम हाइब्रिडाइज स्टेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1s2। अब ये आपके पास क्या बन गया? ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये भी क्या है? sp2, और साथ आपके पास क्या बन रहा है? 2pz। अब ये जो 2pz है ये आपके पास क्या रहा है? अनहाइब्रिडाइज्ड, ये आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो इसका मतलब है आपके पास तीन sp2 ऑर्बिटल्स हैं। तो अगर हम
जर्नल आफ्टर हैबिटाइजेशन की बात करें तो आफ्टर हैबिटाइजेशन में आप ये तीनों भी मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास जो तीन ऑर्बिटल हैं वो क्या हैं, हमारे पास sp2 हैं और हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1-1 इलेक्ट्रॉन, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ज़रा और कीजिएगा, अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ इथीन की, तो अब हमारे पास हिस्सा कौन कौन से ऑर्बिटल ले रहे हैं, 2s 2px 2py, तो आप स्टूडेंट्स इनको पहले बना लें। तो ये देखिएगा ज़रा, हमारे पास एक ऑर्बिटल है हमारे पास 2s प्लस 2px और प्लस हमारे पास आ गया 2py। तो जाहिर सी बात है आफ्टर हैबिटाइजेशन जब ये हैबिटाइज हो जाएंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हैबिटाइजेशन के बाद हमारे पास जो ऑर्बिटल बनता है वो कुछ इस तरह का होता है ऐसे। तो ये हमारे पास फिर तीन बन गए, तो ये तीन ऐसे बनेंगे हमारे पास 1 2 3। अब हमारे पास जो एंगल है यहाँ पे वो कितने का है जी, 120 डिग्री का, और जो हमारे पास ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ट्राई एंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। तो अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ से बड़ी सिंपल सी बात है, हमने अब ये सीख लिया कि यहाँ पे हर कार्बन के पास तीन जो हैं वो ऑर्बिटल हैं जो कि क्या है, हैबिटाइज्ड है, और एक क्या है, अनहैबिटाइज्ड है जो कि क्या है, 2pz। तो ज़रा गौर कीजिएगा, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, स्ट्रक्चर इसकी कुछ यूं होगी स्टूडेंट्स के, आपके पास ये भी कार्बन एटम है और आपके पास ये भी क्या है, कार्बन एटम। अब गौर कीजिएगा हर कार्बन के पास ऑर्बिटल कितने हैं, अगर हम बात करें इस कार्बन की, तो इस कार्बन के पास तीन ऑर्बिटल हैं, 1 2 3। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इसके पास भी तीन है, 1 2 और ये आपके पास कितने हो गए, 3। अब यहां पे तो अगर हम देखें, यहां पे कार्बन की कार्बन से ओवरलैपिंग हो गई और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास दो पूरे हो गए। अब यहां पे भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी 1, मतलब क्योंकि तीन तीन थे तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे क्या है, मौजूद है। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, ये लें, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया, ये दो पूरे हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया, ये भी दो पूरे हो गए, यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या आ गया, हाइड्रोजन। अब जो हमारे पास याद हो 2pz था, ये 2pz हमारे पास क्या था, अनहैबिटाइज्ड, 2pz क्या था, अनहैबिटाइज्ड। तो अब आप ये बना लें, ये लें, ये आपके पास आ गया 2pz, क्योंकि हमें पता है जो पी और पी वाई या पी जी हैं ये पैरेलल ओवरलैपिंग जाहिर कर रहे हैं। तो ये लें आपके पास, ये जो आपके पास है ये कौन सा ऑर्बिटल है जी, 2pz, ये भी क्या है, 2pz, ईच कार्बन ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, और यहाँ पे जो आपके पास बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बन रहा है जी, पाई बॉन्ड, ये आपका पाई बॉन्ड बन गया, ये आपका क्या बन गया, पाई बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, और ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। अब हमने यहाँ से सीखा क्या है, हमने ये सीखा है कि इन केस ऑफ इथीन, मतलब इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग अ डबल बॉन्ड, जिनमें डबल बॉन्ड है, जैसे इथीन है, लोअर हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, तो हमने वहाँ पे इसमें ये सीखा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या जाहिर किया जा रहा है कि एक 1 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड किस वजह से बना है जी, sp2 ओवरलैप, क्योंकि ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है, तो sp2 ओवरलैप। अब आपके पास कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड किस वजह से बन रहा है जी, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म ड्यू टू sp2s ओवरलैप, क्योंकि कार्बन का sp2 हैबिट ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, और हमारे पास एक क्या बना है जी, पाई बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्या बना, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से बना, 2pz ओवरलैपिंग से, ये हमारे पास क्या बन गया, अनहैबिटाइज पी ऑर्बिटल जो था, जो कि 2pz था, जब वो इन्वॉल्व हुआ हैबिटाइजेशन में, तो आपके पास कौन सा बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक sp2 हैबिटाइजेशन में। हल्का सा फिर बता दूं कि प्रोसेस इन विच 1s एंड 2p ऑर्बिटल आर मिक्स एंड फॉर्म 3 sp2 हैबिट ऑर्बिटल, 1s या 2p ऑर्बिटल हैं, जब मिक्स होंगे तो तीन ऑर्बिटल बनेंगे और तीनों ही sp2 होंगे। तो आपने पहले लिखा ग्राउंड स्टेट में, फिर एक्साइटेड में, और ये हैबिटाइज स्टेट में, हैबिटाइज में ये आपके पास तीन तो sp2 है, ये 1s पड़ा है, और ये आपका 2pz पड़ा है जो कि क्या है, अनहैबिटाइज है। अब इसके बाद क्या हुआ आपके पास, आपने देखा कि भाई 2s भी हिस्सा नहीं, 2s हिस्सा ले रहा है, 2px ले रहा है, और 2py, आपने इनको क्या किया, मिक्स किया, जब इंटरमिक्स किया तो आफ्टर हैबिटाइजेशन आपके पास ये क्या बना, 3sp2 हैबिट ऑर्बिटल, ये आपके पास है 3sp2 हैब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल,
जो कि एंगल 120 डिग्री था, और जो ज्योमेट्री थी वो मैंने बताया ट्राई एंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। अब उसके बाद आपने ये बना दी इसकी स्ट्रक्चर, हर कार्बन के तीन sp2 हैबिड ऑर्बिटल हैं, इसके भी तीन sp2, ये आपने बनाए। फिर अनहैबिडाइज जो था आपके पास पाई पी ऑर्बिटल जो कि 2pz था वो बनाया, और इससे हमारे पास क्या बना जी, हमारे पास कार्बन कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, ये मतलब ये तादाद में एक है, ये तादाद में कितने हैं चार, और ये भी तादाद में कितने हैं एक है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह sp हाइब्रिडाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे।